हाँ देखो, हम लोग यहाँ पे आ गए मुरूड जंजीरा में। अभी आपको ये जो ऐतिहासिक प्लेस है जंजीरा किला, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आप सुनो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जो भी करना है कर दो जी। क्योंकि बहुत अच्छी मालूमात देते हैं हमारे देसी ट्रैवल्स वाले, ऐसी मालूमात बहुत कम चैनल देते हैं। देखो, जंजीरा किला जो समंदर के बीच में बनाया हुआ इतना बड़ा बिल्डिंग है, आज इतना बड़ा बिल्डिंग समंदर के बीच में कैसे खड़ा हो गया? तो किला बनाने से पहले समंदर के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेट था, आइलैंड था, और बेट के ऊपर एक दरगाह था, समाधि था, जिसका नाम है पंजतन पाचपीर, जो आज भी किले के अंदर है। और कुछ कोली लोगों का घर था, जिनका एक मुखिया हुआ करता था उस टाइम पे, जिसका नाम था राजा राम पाटिल। लेकिन जिस राजा ने ये किला बनाया, इसका नाम है सिद्दी जौहर। हमारे भारत के इतिहास में, हिस्ट्री में सिद्दी नाम के दो राजा आके चले गए। एक जो सिद्दी था 16th century में, जिसने पनालगढ़ फोर्ट पे बेरा डाला था, सिद्दी मुगल था। लेकिन जिस राजा ने ये जंजीरा किला बनाया, ये सिद्दी जौहर 16th century से पहले अफ्रीका से यहाँ पे बिजनेस के लिए आया करता था। इसका गरम मसाले का, स्पाइसेस का बिजनेस था। तो जब भी यहाँ पे आता था, ये बेट के ऊपर रुक के, आइलैंड के ऊपर रुक के, समाधि के ऊपर, दरगाह के ऊपर फूलों की माला चढ़ा के वापस अपने देश चला जाने का। एक मर्तबा आने के बाद देखा समंदर में तूफान हो गया, समंदर का पानी बेट के ऊपर चढ़ के वो समाधि को, दरगाह को टच हो रहा है। तो पानी को रोकने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे किला बनाने की सोच ली। 1118 में किले का बांध काम स्टार्ट किया, 1140 में पूरा किला बन के रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। 22 साल लगा इसको समंदर के बीच में बनाने के लिए। 22 साल में अंदर से 22 एकड़ का एरिया बना दिया, और 22 वॉच टावर, टहलने बुरुज बना दिए। बुरुज बोले तो क्या, ये गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहे किले के बॉर्डर पे, ये सब 22 बुरुज है। ऐसे टोटल इसी को बुरुज कहते हैं, वॉच टावर कहते हैं, ऐसे टोटल 22 है। और किला बनाने के बाद सिद्दी जौहर ने किले की रियासत वही समाधि के दरगाह के नाम से चलाई थी। इस रियासत का नाम था पंजतन पाचपीर रियासत हफ्शाने जजीरा। आप लोग यहाँ तक आ गए मुरूड जंजीरा बोल के आ गए। मुरूड यहाँ का तालुका है। किले का असल नाम जंजीरा नहीं है, इसका सही नाम जो है यह है जजीरा। जहाँ कहीं भी समंदर के बीच में आइलैंड होता है, बेड होता है, इसे जजीरा कहा जाता है। अभी हर कोई इसको जंजीरा जंजीरा बोल रहा है, इसके लिए ये जंजीरे के नाम से फेमस हो गया। अब किला बनाने के बाद इसमें 3 इंपॉर्टेंस रखा, ताकि कोई भी इस किले को आसानी से नहीं जीत सकता। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो जब तक ये हमारा नाव, जिस नाव से हम लोग अभी जा रहे, ये नाव हमारा जब तक किले के मेन गेट के बिल्कुल करीब नहीं जाएगा, इसका एंट्री गेट आप चारों तरफ से घूमते रहेंगे, कहीं से भी पता नहीं चलता है, जब तक हम लोग बिल्कुल गेट के, मेन गेट के बिल्कुल करीब नहीं जाते। उसके बाद किले के चारों तरफ समंदर का खारा पानी है, और किले के अंदर मीठे पानी के इतने बड़े बड़े तालाब है कि जिस नाव से हम लोग जा रहे, फॉर एग्जाम्पल ये नाव भी अंदर उठा के डालेंगे तो ये नाव भी अंदर घुमा सकते, इतना बड़ा बड़ा 2 मीठे पानी का तालाब है। एक 60 फीट डीप है तो दूसरा 30 फीट डीप है। अब चारों तरफ समंदर का खारा पानी, सॉल्टेड वाटर है, लेकिन किले के अंदर मीठा पानी कैसे आया, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये किले का जो बांधकाम किया हुआ है ना, ये सब पत्थर से किया हुआ है, और सारे पत्थर यही बेट से निकाले हुए। तो ये लोग पत्थर निकालते निकालते जमीन से 60-70 फीट जब नीचे चले गए, जमीन में से नेचुरल मीठे पानी के झरने लगे। तो राजा को दो चीज मिला, किला बनाने के लिए पत्थर और पीने के लिए पानी। अब जहां पानी वहां बस्ती, लोग बसने लगे। 1947 तक किले के अंदर 450 घर का बस्ती था, इसमें 2 समाज का लोग था, कोली लोग और मुस्लिम लोग। 47 तक किले के अंदर मच्छी मार्केट, भाजी मार्केट, चौथी क्लास तक स्कूल था, मंदिर था, मस्जिद था। लेकिन 1947 के बाद हमारा भारत देश आजाद हो गया, यहाँ से राजाओं का राज खत्म हो गया। यहाँ के जो लास्ट राजा थे, ये इनका नाम था सिद्दी नवाब, ये छोड़ के इंदौर चले गए। इनका एक पीढ़ी आज भी जिंदा है, जिसका मुरूड में एक पैलेस है, नवाब पैलेस बोल के, वो उसका खुद का प्रॉपर्टी है। किला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चला गया। देखो, किला बनाने से पहले ये लोग जो थे ना, यहाँ पे लोग का मैं जो बताया ना, यहाँ पे मच्छी पकड़ना, यहाँ पे रहना, यही इनका काम था। आइलैंड के ऊपर जो रहते थे, छोटे छोटे घर बनाए हुए थे उस टाइम पे, जो इसके छत जो होते ना, नारियल के दरख के जो छाप झाप बोलते हैं, उसमें रहते थे। ऐसे साइड से बना के, मट्टी और पत्थर का घर बना के ऊपर छत डाली हुई थी, लेकिन ज्यादातर नहीं, यहाँ पे 4-5 घर थे, और एक कोली लोगों का जो है ना छोटा सा बस्ती था। और उस पर जो है ना, ये सिद्धि यहाँ पे आके आइलैंड के ऊपर आके क्यों रुकता था, वो दरगाह के लिए रुकता था। तो उसके लिए जो अंदर पहले से 4-5 परिवार थे, वो बोट से आते जाते थे अंदर। हाँ, उनका आना जाना बोट से ही था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, मोटर बोट नहीं था, यही सेल बोट चलता था जिसमें हम अभी सफर कर रहे हैं। ऐसे
ही बोट चलता था उस टाइम पे, तो वो जो है ना वो यहाँ पे रहते थे आइलैंड के ऊपर, जिसकी वजह से बाद में जब आइलैंड के बाद सिद्दी जौहर ने जब किले का बांध काम शुरू किया तो ऐसा नहीं कि उनको यहाँ से बाहर निकाला। मैं आपको बता दिया किले के अंदर दो समाज का लोग रहता था, कोली लोग और मुस्लिम लोग। तो जो लोग आइलैंड पे रहते थे उनका पीरी भी किले के अंदर रह चुका है, नहीं रह चुका ऐसा नहीं है। तो अंदर किले के अंदर जो था ना दो समाज का लोग, कोली लोग और मुस्लिम लोग, जो 1947 तक था। बाद में 1947 के बाद जब भारत देश आज़ाद हो गया यहाँ से सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल गए, क्योंकि जब तक राजा था हर चीज़ राजा से मिल जाता था, राजा के जाने के बाद इनको काम नहीं रोजगार नहीं, लोग आहिस्ता आहिस्ता किले में से निकल गए और जाके आसपास के गाँव में बसने लगे। 1972 में पूरा किला खाली हो गया। उसके बाद क्या हुआ तो यहाँ से लोग निकल आने के बाद किला वीरान पर गया। आज भी आप लोग देखेंगे किले के चारों तरफ जो है ना समंदर, किले के चारों तरफ किले के अंदर से टूटे फूटे घरों की दीवारें आपको आज भी दिखाई देंगी। जब आप उसके टॉप पॉइंट पे चले जाएंगे वहाँ से आपको सारे किले के जो घर है टूटे फूटे वो दिखाई देते हैं। अब जब हम लोग किले के अंदर एंट्री करते हैं तो इसके पॉइंट कैसे देखते हैं, तो जब किले के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमको क्या मिलता है, तो गेट के पास ही राइट साइड में एक वाइट कलर का छोटा सा रूम है, उसी के अंदर वो समाधि है, दरगाह है, जिसके कारण ये किला बनाया गया। और किले के समाधि के पहले पहले एक छोटा सा गेट है, ये गेट से बाहर निकल के हम 10-12 सिर चढ़ के राइट में तोफ के पास चले जाते हैं और फिर यहाँ से हमारा सारा पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। वहाँ जाने के बाद हम सबसे पहले किले का जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप देखते हैं जिसका नाम है कलाल बांगड़ी। कलाल बांगड़ी तोप जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप है, लेकिन हमारे भारत में हिस्ट्री में बताया गया कि इसका 3 नंबर आता है। वैसे कुछ तोप इंडिया में है ऐसे जिनका आज हिस्ट्री में नाम नहीं आता। सबसे पहले जो आता है ना इसका नाम है मुलुक मैदान तोप, जो बीजापुर में है। 2 नंबर पर जो आता है दौलताबाद में, जिसका नाम है मेंढा तोप। और 3 नंबर जंजीरे के अंदर कलाल बांगड़ी। 22 टन का एक तोप है, मतलब 22,000 किलो का एक तोप है। और उसका रेंज जब गोला उड़ता था 6 से 7 किलोमीटर का एरिया कवर करता था। और उसको बनाने वाले ने ऐसे खासियत रखा है ना कि 12 घंटा धूप में रहने के बाद भी हीट नहीं होता, ऐसा मेटल में उसको बनाया हुआ है। यानी 12 घंटा धूप में रहने के बाद भी हीट क्यों नहीं होता है, तो उसको बनाने के टाइम पे ये ध्यान दिया गया है कि अगर ये तोप को एक बार हम लोग अगर चलाते हैं गोला बारूद लोड करके इसको अगर चलाते हैं और फिर से इमरजेंसी है उसको वापस गोला बारूद लोड करके चलाना है तो वो गर्म नहीं होना चाहिए। अगर एक बार तोप चलाएंगे आप और गर्म हो जाएगा तो उसमें आप गोला बारूद फिर से लोड नहीं कर सकते, जितना गोला बारूद रहेगा वो ऑन द स्पॉट ही फट जाएगा। तो इसके लिए उसको 5 मेटल में बनाया हुआ है, 12 घंटा धूप में रहने के बाद भी हीट नहीं होता है। और बिल्कुल मेन गेट के सेफ्टी के लिए मेन गेट के ऊपर जंजीरे किले का 3 सबसे बड़ा तोप रखा हुआ है, कलाल बांगड़ी, गायमुख और चावड़ी। ऐसे टोटल किले के अंदर 162 तोप है, लेकिन स्टार्ट में जो हम देखते हैं ना इससे बड़ा तोप आगे कहीं दिखाई नहीं देता है, बाकी सब छोटा छोटा तोप है। अब तोप देख के हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे 2 सर्कल क्लॉस करेंगे ना तो लास्ट तीसरे सर्कल को जाने से पहले पहले लेफ्ट साइड में नीचे एक बड़ा पत्थर का दीवार है, पत्थर के दीवार के बीच में एक विंडो है और विंडो के पीछे कुछ पायरी स्टेप्स है। ये क्या है, तो ये टनल का रास्ता जिसको मराठी में भुयारी मार्ग कहते हैं। ये रास्ता उस जमाने में सिद्दी जौहर ने समंदर के 60-70 फीट खोल के नीचे से सामने राजपुरी गांव में निकाला था। क्यों निकाला था, तो अपने और अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए कि अगर दुश्मन का हमला हो गया, लड़ने की ताकत खत्म हो गई और दुश्मन ने चारों तरफ से घेर रखा है तो राजा अपना और अपने फैमिली का बचाव कैसे करेगा। टनल के रास्ते सामने वाले गांव में जा सकता था, लेकिन 1947 में इसको शासन ने बंद कर दिया, सील कर दिया, क्योंकि वो डैमेज हो गया था। हाँ, समंदर के 60-70 फीट खोल के नीचे से निकाला हुआ था। ये पहला जो चीनी मिट्टी का बड़ा बड़ा पाइप होता था ना, ये पाइप से बनाया हुआ रास्ता था। एक दो आदमी अंदर से आसानी से जाके आ सकता था, लेकिन उतना भी इजी नहीं था क्योंकि समंदर जो है सेंटर में 60-70 फीट खोले तो वहाँ जाने के बाद कुछ समय कुछ सेकेंड के लिए ऑक्सीजन का कमी महसूस होता था। जिसमें उतना स्टेमिना है वही वहाँ से जा सकता है, जिसमें उतना स्टेमिना नहीं है वो पार नहीं कर सकता था। कुछ सेकेंड के लिए जो स्टेमिना ऑक्सीजन रुका सकता है वही वहाँ से जा सकता था, लेकिन 1947 में वो लीक होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से अंदर सारा पानी आ गया तो शासन ने यहाँ से फिर उसको बंद कर दिया। अब तीसरे बुरुज पे जाएंगे ना हम लोग वहाँ से, तो सामने समंदर के बीच में हमको वो किला दिखाई देता है संभाजी महाराज ने बनाया हुआ, जिसका नाम है पद्मदुर्ग। यहाँ से अभी मौसम क्लियर नहीं है इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपने देखा होगा वीडियो में कभी, उसका नाम है पद्मदुर्ग। ये किला जो है ना ये शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज ने बनाया था जंजीरा किला जीतने के लिए। आपको पता होगा हिस्ट्री में जो है ये जंजीरा किला अजिंक्य किला है, मींस अनकॉन्कर फोर्ट, कोई भी इस किले को जीता नहीं है, लेकिन जीतने के लिए बहुत से राजाओं ने ट्राई किया है, चिमाजी अप्पा, कान्हूजी आंग्रे, संभाजी महाराज। सिर्फ शिवाजी महाराज को वो टाइम पे वो पीरियड में यहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि वो उनका बहुत बिजी टाइम था।
उस टाइम पे शिवाजी महाराज ने खुद अपने हाथों से बहुत सारे किले बनाए हुए और बहुत सारे जीते हुए। तो इसकी याद में मालवन रत्नागिरी में एक किला बनाया है जिसका नाम है सिंधुदुर्ग। सेम जंजीरे का कॉपी है, वो 40 एकड़ में है तो ये 22 एकड़ में है, वो भी समंदर के बीच में है, ये भी समंदर के बीच में। तो 16वीं सदी में जब संभाजी महाराज जंजीरा किला जीतने के लिए यहाँ पे आए तो ये राजपुरी जो गाँव है जहाँ से हम लोग अभी बोट में बैठ के आए उसके पीछे देखो एक पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा घर बनाया हुआ है, वहां पे आके रुके थे और वहां से प्लानिंग कर रहे थे कि कैसा इस किले को जीता जाए। तो संभाजी महाराज ने सबसे फर्स्ट प्लान क्या किया, तो वहीं से आगे से गांव की तरफ से समंदर में पत्थर डाल डाल के किले में आने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की। 50% रास्ता कंप्लीट हो गया था, बाद में पानी ज्यादा डीप मिलने के बाद जितना पत्थर डाला समंदर के अंदर चला गया, रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी तरकीब क्या निकाली, तो जैसे जंजीरा किला आइलैंड के ऊपर बेट के ऊपर बना दिया, इसी तरह का एक बेट यहां से 7 किलोमीटर आगे समंदर के बीच में था, वहां पे संभाजी महाराज किला बना रहे थे जंजीरा किला जीतने के लिए। अभी वो किले का काम पूरा नहीं हुआ था, आप यहां से देखेंगे 3 पीस दिखाई देगा, मुरुड बीच से देखेंगे तो वहां से 1 पीस दिखाई देगा, क्योंकि वो किला अधूरा है और ये किला अजिंक्य है। तो वो किला संभाजी महाराज बना रहे थे जंजीरा किला जीतने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे है ना ये सिद्धि लोगों को पता चल गया कि सामने मराठा फौज है और संभाजी महाराज जंजीरा किला जीतने के लिए और एक किला बना रहे। अब वहां पे इन लोग के पास, सिद्धि लोगों के पास उतना फौज स्ट्रांग नहीं था, तो ये लोग ने क्या किया, मुगलों से कॉन्टेक्ट किया और रायगढ़ फोर्ट पे अटैक करा दिया। जब रायगढ़ फोर्ट पे अटैक हो गया, संभाजी महाराज को वहां से मैसेज आया कि आपको रायगढ़ पे आना, यहाँ पे मुगलों का हमला हो गया। यहाँ से पूरी सेना लेके संभाजी महाराज को रायगढ़ बचाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो बनाने और ये जीतने से ज्यादा जरूरी संभाजी महाराज को रायगढ़ बचाना था, वो उनका राजधानी था। अपने राजधानी को तो बचा लिया लेकिन वो किला अधूरा रहा, ये किला अजिंक्य रहा। अब तीसरे बुरुज से हमको नीचे उतरते, नीचे उतरने के बाद रास्ते से चल के आगे बढ़ते एक बड़ा मीठे पानी का तालाब आता है जो 60 फीट डीप है। आप ये देख रहे होंगे इसका बांध काम सब पत्थर से किया हुआ है। अब चारों तरफ खारा पानी, सेंटर में मीठा पानी कैसे आई ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो अभी वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ कि देखो इसका बांध काम जो है ना ये सब पत्थर से किया हुआ है, कहीं भी ईंट का बांध काम नहीं है और सारे पत्थर यही बेट से निकाले हुए। तो ये लोग पत्थर निकालते निकालते जमीन से 60-70 फीट जब नीचे चले गए, जमीन में से नेचुरल मीठे पानी के झरने लगे। तो राजा को दो चीज मिला, किला बनाने के लिए पत्थर, पीने के लिए पानी। अब जहां पानी वहां बस्ती, लोग बसने लगे। 1947 तक आपको बता दिया किले के अंदर लोग रहते थे, दो समाज के लोग थे, कोली लोग, मुस्लिम लोग। 1947 के बाद हमारा भारत देश आजाद हो गया, यहां से राजाओं का राज खत्म हो गया, राजा छोड़ के चले गए। अब बची इनकी प्रजा, जब तक राजा था हर चीज राजा से मिल जाता था, राजा के जाने के बाद काम ने रोजगार ने, लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल गए, जाके आसपास के गांव में बसने लगे। 1972 में पूरा किला खाली हो। अब तालाब के पास से 125 स्टेप चढ़ के हमको इसके टॉप पॉइंट पे जाना होता है जहाँ फ्लैग होजिंग का देखो झंडे का काठी आपको दिखाई दे रहा है। ये किले का हाईएस्ट पॉइंट है जिसको बाले किला बोलते हैं। हम 4 घंटा भी नीचे से घूमते रहेंगे ना तो 22 एकड़ देख नहीं सकते क्योंकि अंदर झारी खंडर हो गया, लेकिन 125 पायरी चढ़ के जब ऊपर जाएंगे यहाँ से हमको समंदर के बीच में 22 एकड़ में किला कैसे बनाया, किले के अंदर क्या है, ये बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। दूसरा व्यू क्या है, तो ये किले के पीछे अरबियन सी, सामने वाला फोर्ट, यानी सबसे बेस्ट पॉइंट है वो किले का, जो हाइएस्ट पॉइंट है वहाँ से हमको सबसे बेस्ट व्यू देखने के लिए मिलता है। वहाँ से व्यू देख के फोटो लेके वही सीरी से लोग रिटर्न नीचे आते, राइट में आते, राइट में आने के बाद बीच में एक किले के बीच में एक बिल्डिंग बनाया हुआ है, वो भी पत्थर का ही है और इसको राजवाड़ा कहते हैं। पहले 5 मंजिली था, अभी टूट के सिर्फ 3 मंजिली ही बचा हुआ है। इसमें राजाओं का दरबार भरता था, मीटिंग होता था। अब वहां से आगे बढ़ते हैं ना तो दूसरा एक मीठे पानी का दूसरा तालाब आता है जो 30 फीट डीप है। ये भी पानी वैसे ही आया, पत्थर निकाला, नीचे से स्प्रिंग लगा और कुछ बारिश का पानी उसमें है, लेकिन जो पहला तालाब आपको बताया वो पूरा पानी नीचे से बहुत ज्यादा स्प्रिंग है फोर्स में उसके, वो 12 साल के 12 महीने उसमें पानी रहता है और ये तालाब में भी 12 साल के 12 महीने पानी रहता ही रहता है। अब वहां से आगे बढ़ते तालाब देख के हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट मेन गेट में। तो मेन गेट में जो है ना दीवार में ऊपर पत्थर में तराश के एक चित्र बनाया हुआ है, इसमें एक शेर और 6 हाथी है। तो ये क्या था, तो ये लोग का राज मुद्रा था, जैसे अभी हमारे कॉइन के ऊपर होता है अशोक चक्र त्रिमूर्ति गांधी जी, उस टाइम पे जो किले के अंदर तांबे पित्तल का कॉइन चलता था उसके ऊपर एक शेर 6 हाथी का मोहर होता था। ये मोहर का कॉइन इनका गेट पास था। किले के लोगों को बाहर जाके वापस किले में एंट्री करना है तो उनके पास वो कॉइन होना चाहिए। चांस अगर किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं रहा, उसे दुश्मन या जासूस समझ के गेट के ऊपर 2 साइड में 2 विंडो बनाया हुआ एकदम टॉप में, लोखंडी भाला लेके 2 सिपाही हमेशा खड़ा रहता था।
अगर किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं रहा, उसे दुश्मन या जासूस समझ के गेट में ऊपर से ही भाला मार के खत्म करते थे कि अपना आदमी नहीं, दुश्मन या जासूस है। और इसका हाइट जो है ना, जमीन के लेवल से ऊपर तक 90 फीट हाइट है। 90 फीट हाइट में किले का बिल्डिंग 3 मंजिली 3 फ्लोर सिस्टम बनाया हुआ है। ये ऊपर का जो टॉप फ्लोर है जिसमें विंडो दिखाई दे रहा है और जहाँ पे तोप भी रखे हुए, ये सिर्फ तोप चलाने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये छोटा छोटा विंडो जिसमें दिखाई दे रहा है, इसको वॉच टावर कहते हैं, टहलनी बुरुज। ये इसका सिस्टम ऐसे, आप अंदर जाके देखेंगे ना तो बाहर का क्लियरली दिखाई देगा क्योंकि पूरा लाइट है आगे। और यही आप अंदर से, यहाँ से बाहर से अंदर का देखने की ट्राई करेंगे ना तो अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि पूरा डार्क है। तो यही इसको वॉच टावर कहते हैं, टहलनी बुरुज कहते हैं। और ये नीचे इसका ग्राउंड फ्लोर है जिसको पानी टच है ना, ये 24 घंटे में 18 घंटे समंदर का पानी दीवार को टच रहता है। पानी टच रहने के कारण इसके अंदर का जो प्लेस है ना, ये बहुत कूल रहता है, लाइक एयर कंडीशन रूम की तरह होता है। तो कूल प्लेस जो होता है, ये गोला बारूद के लिए सबसे सेफ जगह होता है। धूप में अगर गोला बारूद को रखेंगे तो डैमेज हो जाता था, अपने आप फट जाता। तो सारे जो ग्राउंड फ्लोर है ना बुरुज के, इसमें गोला बारूद भर के रख देते थे ताकि वो अपने सेफ रहे गोला बारूद। ये पूरा नीचे का ग्राउंड फ्लोर यानी 24 घंटे में 18 घंटे समंदर का पानी ग्राउंड फ्लोर के दीवार को टच रहता है। और बिल्कुल गेट के ऊपर एक व्हाइट कलर का छोटा सा रूम बनाया हुआ है जो आगे आपको कैमरे में दिखाया जाएगा। वो क्या है तो ये किले का नगारखाना बोलते हैं इसको। गेट के ऊपर ही बिल्कुल बनाया हुआ एक छोटा सा रूम है। उसमें पहले जमाने में आपको पता होगा कि एक सिग्नल हुआ करता था, अगर राजा को प्रजा को दरबार हॉल में बुलाना है कोई मीटिंग के लिए या फंक्शन के लिए, तो राजा घर घर जाके दावत नहीं देता था। वहां पे जो रूम है उसमें नगारा रहता था, ड्रम रहता था। जब नगारा बज जाता था ना, सारे लोग समझ जाते थे कि राजा का बुलावा आया है और आके दरबार हॉल में जमा हो जाते थे। तो ये इसका पूरा हिस्ट्री था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम थोड़ी और बात करेंगे चलते चलते। जी जी। तो ये लोग सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे आए थे तो ये बना तो दिया, किला तो हमको दिखाई दे रहा है, तो 550 साल हो गया, ये अभी तक गिरा क्यों नहीं? और जब वो इसको बना रहे थे तो वो जो आप बोल रहे हैं आइलैंड इसके ऊपर था, उसमें से कैसे इन्होंने बनाना शुरू किया सबसे पहले कि अभी तक गिरा भी नहीं और इतनी बड़ी दीवारें भी बना? ठीक है, देखो इसमें मैं आपको इसका इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। देखो समंदर का जो लेवल होता है ना, समंदर का जो लेवल होता है, इसमें 6 घंटा हाई टाइट होता है, 6 घंटा लो टाइट होता है। तो ये लोग का वर्किंग सिस्टम कैसे था, जब लो टाइट हो जाता था ना तो किले के चारों तरफ से पानी निकल जाता था। तो ये लोग बाहर से फाउंडेशन का काम करते थे और जैसे ही पानी भर जाता था ना, बेड में पत्थर काटने का काम करते थे। ऐसे कर करके 22 साल में किले को रेडी किया। और आइलैंड के ऊपर जो ये बनाया ना, सारा किला पत्थर से बनाया हुआ है। पत्थर रखते गए, उसके बीच में मटेरियल डालते चले गए, यानी मटेरियल जो मैं आपको स्टार्ट में बता दिया, इसमें जो मटेरियल स्पेशल इस्तेमाल किया है, इसमें मिक्स है चूना, नमक, गुड़, सीसा और समंदर की रेत। सीसा बोले तो जैसे पेंसिल में ब्लैक कलर का होता है, इसी तरह का एक लेड आता है ग्रेफाइट, इसको गर्म करने के बाद ये पिघल जाता है। पिघलने के बाद इसको पत्थर के जॉइंट के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। 24 घंटे में जो है ना, 6 घंटा ओटी होता है और 6 घंटा भर्ती होता है। तो भर्ती के टाइम पे ऐसे ही पानी भरा हुआ रहता है जो दीवार को अभी टच है, और जब ओटी हो जाता है तो चारों तरफ से इसके पानी निकल जाता है, यानी तकरीबन हट जाता है, यानी तकरीबन 20-25 मीटर जो है ना, ये किले के चारों तरफ से दूर चला जाता है। इसके लिए इनको काम करने के लिए मौका मिल जाता है। तो ये लोग का 6 घंटा वर्क आउटसाइड होता था, 6 घंटा इनसाइड होता था। तो जो काम करते थे वो पानी वापस जब इसको टच होता था तो वो उसका खराब नहीं होता था काम पूरा? नहीं, मटेरियल जो है ना उसका, वो पत्थर में मटेरियल जो जल्दी सूख जाता था। तो जो अंदर स्पेशल, हाँ, और जहाँ तक कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया इनको, जहाँ तक पानी टच होता है ना वहाँ तक मटेरियल जो है ना उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया होगा। लेकिन बाद में जब ऊपर चले गए समंदर के लेवल के ऊपर, तो फिर मटेरियल ख़राब होने का तो राइट नहीं है। और उनको यही फायदा मिल गया कि बाहर से कहीं से पत्थर लाने का जरूरत नहीं रहा। हाँ। लाते भी कैसे कि वहाँ से वो पहाड़ तोड़ के लाते तो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था और बहुत ज़्यादा पत्थर इसके अंदर लगा हुआ है। तो वो उनको एक फायदा हो गया कि अंदर ही तालाब भी मिल गया, तालाब मिल गया, पीने के लिए पानी मिल गया। तो बाहर की कोई सेना अटैक भी करे तो कोई दिक्कत भी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पानी है। तो इस पे किसी ने अटैक किया क्यों नहीं, क्या मतलब ऐसा क्या? देखो इसका है ना, अटैक करने की सबसे जो है ना बेस्ट वजह मैं आपको बता रहा हूँ। अटैक करने के लिए बहुत सारे राजा ने जो है ट्राई किया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो सेफ्टी रहा है ना इसके लिए, ये समंदर रहा है। देखो समंदर का जो लेवल है ना, ये आपको मैं बता दिया कि किले के चारों तरफ से थोड़ा पानी पीछे हो जाता है ओटी के टाइम पे, लेकिन ये जहाँ पे अभी हमारा बोट खड़ा है ना, यहाँ पे 60-70 फीट डीप पानी है अभी, और ऐसे ओटी के टाइम पे भी रहता है। जब पानी उठता है ना, ये समंदर का लेवल किले से गांव की तरफ या चारों तरफ से कैसे है, ऐसे वी शेप में है, किले के चारों तरफ से पानी निकल जाता है, गांव की तरफ भी रहता है, लेकिन इसका सेंटर जो है यहाँ पे हमेशा पानी 60-70 फीट डीप रहता ही रहता है। तो अगर किसी को ये फोर्ट को कॉन्कर करना है तो उसके पास आने के लिए ओनली 2 ऑप्शन है,
एक तो पूरा फौज को स्विमिंग करके आना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है तो ऐसे बड़ा बोट करके एक बोट में पूरा फौज को आना पड़ेगा जो किले के पास अगर आएंगे, और एक छोटा सा तोप, बड़ा तोप चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, एक छोटा सा तोप बोट के ऊपर चला देंगे, बोट टूट जाएगा और सारा फौज ही अंदर चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी जो रहा है ना इसके लिए ये समंदर रहा है, इसकी वजह से कोई इस किले को जीत नहीं सका। तो यहाँ पर सिद्धियों का तो राज यहाँ पर था, आसपास का एरिया कौन उस समय कंट्रोल कर रहा था? देखो इसके अंडर में है ना यहाँ के आसपास के एरिया थे, जब यहाँ पे राजा बन गया तो जो लोग यहाँ पे थे आजू बाजू में वो भी इसके अंडर में हो गए। 3-6 तालुके पे इसका हुकूमत था, जो राजपुरी, हाँ राजपुरी जो भी है, ऐसे 6 यानी गांव तालुके मिला के थे जिसपे राज था। और ये लोग का है ना, ये किले में जो लोग रहते थे ये तो इनके ही लोग थे, जो इनको खाना पीना दे के इनसे काम करा के लेते थे। उस टाइम पे ये लोग को अलग अलग यानी काम दिया हुआ था, कोई खेती बाड़ी करता था तो कोई अंदर अपने राजा के साथ में काम करता था, ऐसे डिवाइड किए हुए थे। और खाना पीना जो है ये राजा के टाइम पे राजा से मिल जाता था पूरा। एक अंदर गोडाउन भी बनाया हुआ, जो दरबार हॉल में आपको बताया ना इसके नीचे गोडाउन है, अगर बारिश के 4 महीने आपको जाने आने का चांस नहीं तो उसके लिए लोग ने बंदोबस्त भी किया हुआ है। आपको अंदर जो है ना 4-5 महीने का अनाज भर के रख देते थे, पानी तो ऑलरेडी किले में ही है, तो जाने आने के लिए अगर ऐसा ही जंग के टाइम पे भी अगर कोई अटैक करने के लिए आ गया या कोई अटैक भी कर लिया, इनको जाने के लिए चांस नहीं बाहर, तो स्टॉक इनके पास 2-4 महीने का अनाज भी रहता था। अब जो नहीं जीत सका ना इसको ये पानी की वजह से, क्योंकि मैं आपको बता दिया क्या ऑप्शन है आने के लिए, तो उस वजह से इस किले को कोई ज्यादा जीत नहीं सका। ऊपर से एक छोटा सा गोला दागा हाँ, तो उसका जितना भी ना होगा एक टूट जाएगा, गोला बहुत छोटा साधारण तोप का भी चल जाएगा, पत्थर होगा तो भी डूब जाएगा, अच्छा। तो अब ये इसके चारों तरफ सिक्योरिटी का जैसे आप ऊपर दिखा रहे हैं बहुत सारा हाँ। इसका थोड़ा बताइए कि कैसे ये लोग सिक्योरिटी करते थे पानी के बीच में? पानी के बीच में सिक्योरिटी देखो मैं आपको बता दिया ना, 3 फ्लोर जो बनाया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए डिवाइड किया हुआ है। टॉप फ्लोर जो है सिर्फ तोप चलाने के लिए, और सेकेंड फ्लोर देखो जिसमें छोटा छोटा विंडो है यही मेन किले का वॉच टावर टहलनी ब्रिज, चारों तरफ से ऐसे ही यहाँ से वॉचिंग होता था, देख रेख होता था। और इसी के नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर जो गोला बारूद के लिए, ये लोग का सिस्टम कैसे था, अगर सामने से दुश्मन का कोई फौज आ रहा है या कोई आ रहा है तो ये लोग का कैसा है, वॉच टावर वाला जो है ना ये जाके तोफ वाले को खबर कर देगा कि भाई कोई आ रहा है, तोफ वाला गोला बारूद वाले को खबर कर देगा, गोला बारूद वाला गोला बारूद लोड करके तोप में रख देगा, अगर कोई आ जाए सामने तो वहाँ से एक तोप चला देंगे। ये सिस्टम से लोग का सिक्योरिटी था पूरा। और ये सामने जो आप गेट, एक ही गेट है जो अंदर जाने का और बाहर आने का, हाँ इसी से अंदर लोग जाते थे हाँ। और इसी से बाहर, इसी से बाहर आते थे। अभी भी वैसे ही सिस्टम चल रहा है जो पहले के टाइम था। अच्छा, तो इन लोगों का ऊपर ऐसा बिजनेस क्या था, मतलब ये लोग पैसा लाते कहाँ से थे, पानी के बीच में रहते थे, बाहर तो कोई जा नहीं रहते थे। हाँ, तो इसका बिजनेस मैं बता दिया ना आपको, ये राजा जो था ना इसका जो बिजनेस था ये गर्म मसाले का बिजनेस था, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंडिया का जो गर्म मसाला है ना, जैसे कि अपना साउथ एरिया है, साउथ एरिया से गर्म मसाला बहुत निकलता है, तो वहाँ से लोग लेते बाहर लेके जाके सेल करते थे या तो बाहर से ला के यहाँ, ये लोग का यही बिजनेस था, गर्म मसाले का बिजनेस था, जो इसके वजह से लोग यहाँ पे आके रह चुके थे। ओके। और ये जो मार्ग आप बता रहे थे वो इधर से ही निकल रहा है जो आप नीचे से जो बता रहे? देखो ये सेकंड ब्रिज जो है ना वहाँ से गेट के पास से 1, 2, 3 ये 2 और 3 के बीच में से निकला हुआ था जो यहाँ पे निकलता था। देखो ये सामने जो नारियल के दरख्त है ना यहाँ पे निकलता था, लेकिन हाँ यहाँ से यहाँ पे निकाला, लेकिन इसको 1947 में सील कर दिया, जैसे वहाँ से सील किया यहाँ भी सील करके रख दिया। उधर तो अभी भी कुछ होगा नहीं, नहीं कुछ नहीं है उधर, सब मट्टी पूरा कंप्लीट, वो उस टाइम पे यानी 47 में ही बंद किया हुआ है ताकि कोई खोले नहीं जाए, नहीं वहाँ नुकसान ना हो जाए उसको। अब देखो मैंने आपको एक ऐसे बताया ना कि समंदर की लहरों की वजह से दीवार का पत्थर घिसके अंदर चला गया ना, फोर्स में जब इस पे दीवारों पे लहरें टकराती है उसकी वजह से पत्थर घिसके 4-5 इंच अंदर चला गया, लेकिन जॉइंट आज भी अपने जगह पे है। तो पत्थर अंदर जा रहा है घिसके, लेकिन साइड में क्यों नहीं हो रहा है, एक साइड में पीछे आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको इंटरलॉक सिस्टम किया हुआ है। इसके नीचे का जो पत्थर होता है ना इसको होल होता है, और उसके ऊपर जो पत्थर बैठने वाला होता है उसको पॉइंट होता है, वो पॉइंट होल में फिट करके मटेरियल डाला हुआ है। इसके लिए समंदर की लहरों से पत्थर आगे पीछे नहीं होता है, सिर्फ घिसके अंदर जा रहा है। और ऐसे ही सिस्टम से चारों तरफ से किले का बांध काम किया हुआ है, इसके लिए आज इतना स्ट्रांगली टिका हुआ है समंदर के बीच में। अपने भारत में वैसे बहुत सारे किले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उस समय का सबसे पहले पानी के अंदर बनाने वाला यही किला है हाँ, समंदर के बीच में सिंधुदुर्ग बना उसके बाद, लेकिन सबसे पहले यही बना हुआ है समंदर में, सबसे ज्यादा टिका हुआ भी यही है पूरा जो देखने को हाँ, मिल रहा है प्रॉपर देखने के लिए मिल रहा है, चीजें हो रही है। तो सबसे पहले का अभी तक 550 साल हाँ यही। देखो जंजीरा फोर्ट जो है ना ये टूरिस्ट के लिए बहुत बेस्ट पॉइंट है, और ये जो बोट है हम लोग देख रहे हैं सेल बोट, आज इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जंजीरे के सिवा।
और आप आओ यहाँ पे इंजॉय करो, आपको अच्छे से अच्छी सहूलत दी जाएंगी, यानी आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। आके यहाँ पे कैसे, आपको ऑफिस है उधर मुरुड राजपुरी में, वहाँ से टिकट लेना, 80 रुपया टिकट है, उसके बाद आपको 25 रुपया किले का एंट्री टिकट देना पड़ता है। पर्दे वाला बोट भी अवेलेबल है और आपको मोटर बोट भी अवेलेबल है, आपका जिस बोट में जाने का मन करे आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये बोट को पसंद करते हैं क्योंकि ये बोट अभी कहीं पे इंडिया में है नहीं, आप यहीं पे देख सकते, सब जगह मोटर वाला बोट हो गया है। तो ये बोट में ज़्यादा और किस में बॉडी वाइब्रेशन नहीं होता है, मोटर बोट में आप साउथ में बैठेंगे क्या बात करेंगे आपको खुद को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बोट में देखो कुछ आवाज़ नहीं कुछ नहीं, आप आराम से जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं और सेफ है बिल्कुल, आप इसमें डरने की कोई बात नहीं। आज चाहे हम लोग यहाँ पे 30-35 साल से ये बोट चला रहे हैं यहाँ पे, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे यहाँ पे हुआ नहीं है एक्सीडेंट वगैरह, लेकिन ये बोट सबसे ज़्यादा सेफ होता है, इसमें इंजन नहीं होता है, डूबने के बाद भी डूबा तो नहीं आज तक और इंशाल्लाह नहीं डूबेगा, लेकिन इसमें जो है ये मोटर वगैरह कुछ नहीं, मोटर वाला अगर डूब जाए तो वो नीचे बैठ जाता है। अच्छा। लेकिन ये बोट को डूबने के बाद भी पकड़ के 25-30 लोग आराम से खड़े रह सकते हैं। तो आने के लिए हमको एक 80 रुपये का टिकट, हाँ आने के लिए एक 80 रुपये का टिकट लेना पड़ता है वहाँ से ऑफिस से, राजपुरी से जीटी के पास ही है बिल्कुल ऑफिस, वहाँ से टिकट लेना है, बोट में बैठना है वहाँ से, अगर हो सकता है आपको बोट में बैठने के बाद किले में अगर एंट्री टिकट लेना पड़े तो किले में लेना पड़ेगा जो 25 रुपया कॉस्ट है, और वहाँ से अगर मिलता है तो राजपुरी से वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। अभी फिलहाल आपको वहाँ से बंद किया हुआ है, किले के अंदर ही एंट्री टिकट दिया जा रहा है, तो वहाँ से अभी फिलहाल आपको 80 रुपये का टिकट लेके आना है और यहाँ पे 25 रुपया टोटल आपका जो कॉस्ट है ये 105 रुपया हो जाता है बिल्कुल, और उसमें भी आपका काफी सारा ना एक पिकनिक के जैसा भी हो जाता है। हाँ आप और ये जो समंदर के जो है देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है, यानी कैसे मौसम है, कैसे इंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे आके, समंदर है, समंदर के बीच में किला है और बहुत अच्छा फोर्ट है ये, आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, और यानी बहुत सारे यानी यहाँ पे पॉइंट है देखने के लिए किले के अंदर जो आप लोग देखेंगे ये वीडियो में बताए हुए आपको वो पॉइंट। तो आने के लिए फोर्ट आने के लिए सबसे नज़दीक में हमारा मेन एयरपोर्ट या जो अपना रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं वो मुंबई का, राइट? हाँ मुंबई और पुणे, पुणे से भी 140-150, हाँ वैसे तकरीबन पुणे भी उतना ही है, पुणे भी उतना ही है, ये सेंटर में आ जाता है मुंबई और पुणे के। और यहाँ पर देखो प्रॉपर रोड की कनेक्टिविटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से आपको एक वहाँ से कार आती हुई दिख रही होगी, थोड़ा जूम करके और दिखाता हूँ, वो देखो वो दिख रही है आपको। तो यहाँ पर काफी रोड की सब जगह कनेक्टिविटी है, बस वगैरह भी चलती है, बस चलते हैं आस पास अपना, जैसे माणगांव हो गया वहाँ से आप आ सकते हो, तो वैसे आप फोर्ट देखने के लिए आ सकते हो। देखो हम राजपुरी से जब बोट में बैठते हैं ना, हमको बोट राजपुरी से जब निकलता है ना तो यहाँ पे किले का मेन गेट है, यहाँ पे स्टेप्स है, धक्का नहीं बनाया हुआ अभी फिलहाल, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है बन सकता है धक्का, लेकिन अभी तो स्टेप्स है, लेकिन उसके लिए भी आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एजेड लोग भी रहेंगे ना तो हमारे 2-3 लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं उतरने के लिए, आपको आराम से उतार देंगे, उसका टेंशन मत लो। लेकिन जेटी से जब बोट निकलता है ना तो यही किले का मेन गेट है, यहाँ पे उतरते धक्का नीचे थोड़ा है, पानी निकलने के बाद धक्के पे उतारते, लेकिन जब पानी भर जाता है ना तो आपको सीढ़ी पे उतरना पड़ता है, और एक हाथ दो लोग हाथ दे के आपको सीधा सिर्फ पैर रखना है सीढ़ी पे, उतना कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन बोट यहाँ से ही आपको पकड़ना है, जाके घूम के भी जब वापस आएंगे ना तो यही गेट से आपको रिटर्न जाना है राजपुरी के लिए। और राजपुरी से यहाँ तक आने में 10-15 मिनट का टाइम, 10-15 मिनट अगर वही आप हवा के डायरेक्शन पे देखेंगे ना, अगर पीछे से हवा रहेगा तो आने के लिए 5 मिनट लगता है सिर्फ। और यहाँ पर सारी बोट मिलेगी आपको ये? जी हाँ, मोटर वाला बोट भी मिलेगा, सेल बोट भी मिलेगा आपको, सामने मोटर वाला हाँ आप देख सकते हैं, और ये नॉर्मल वाला जिसमें अभी जी हम लोग चल रहे हैं अभी बराबर, आपको मिल जाएगा इधर से, है ना जो है ना ये यानी बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, इसको देसी ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं। तो ये चलाते कैसे हैं आप इसको? देखो अभी जो फिलहाल ये हवा पे चल रहा है, हवा हमारे पीछे से है ना, तो ये पर्दा खोल दिया हम लोग, जितना हवा का स्पीड रहेगा ना उतना इसका स्पीड रहता है। अच्छा, तो मेन इसका मेन पर्दा ही है, और ये हैंडवर्क है पूरा, इसको बनाना पड़ता है हाथ से, पर्दे को पूरा हाथ से, हाँ पूरा हैंडवर्क है इसका। सब बीच में से ये जोड़ा हुआ है, कनेक्ट हाँ, किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, यानी पीस पीस दे दे के बनाना पड़ता है उसको, एक अखंड रखेंगे ना पूरा तो वो फट जाएगा जल्दी। अभी आप इसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहे हैं, जैसे हम देखो डायरेक्शन के लिए जो है ना ये पर्दा भी घुमाना पड़ता है, प्लस बोट को टर्न करने के लिए ये जो है ना ये एक स्टेयरिंग का काम करता है, इसको सुकान बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, इसको इधर घुमाएंगे बोट इधर घूमेगा, इसको अपने बदन इधर खींचेंगे अभी इनके बदन पे तो बोट इधर घूमेगा। अच्छा हाँ, जैसा हमारा स्टीयरिंग जिस एरिया में मूव करेंगे वहाँ पे हमारा गाड़ी घूमता है ना, ऐसा इसका नहीं है, इसका अपोजिट है, आप अपने आपको राइट में जाना है तो इसको लेफ्ट में खींचना पड़ेगा, अगर लेफ्ट में जाना है
तो इसको राइट में लकेलना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ जंजीरा फोर्ट पर मशहूर भाई। यदि आप भी कभी जंजीरा फोर्ट पर आते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे और आसपास की कुछ और लोकेशन है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल इनका विलेज है, सिटी है, जो भी आप बोल सकते हैं। मुझे तो एकदम अच्छा विलेज लगा है। तो आपको आसपास के भी ये सारे पॉइंट्स कवर करवा देंगे और अच्छे से घुमा देंगे। जैसे अभी इन्होंने पूरा फोर्ट हमको घुमाया और पूरा पानी के बीच में बना हुआ है, फिर भी इन्होंने पानी के चारों तरफ घूम के, फोर्ट के चारों तरफ घूम के पूरा हमको फोर्ट दिखाया। तो मशहूर भाई, इसके लिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई भी यहाँ पर घूमने आते हैं हमारे दर्शक, तो उनको भी आप जरूर घुमाइएगा। जरूर तो जरूर। आप कहाँ मिलेंगे? हमारा देखो, हमारा काम ही बोट पे है जी, तो हम यहाँ पे बोट पे ही काम करते हैं। आके अभी आपने हमारा वीडियो तो देखा होगा, आके पहचानो या तो किसी से पूछो मशहूर भाई कहाँ पे है, हमको हम आपको यहीं पे मिलेंगे। राजपुरी गांव है हमारा, और राजपुरी से बोट जो किले में आता है ना, वही बोट पे काम करते हैं हम लोग। अब डिग्गी से दूसरी जगह से आएंगे तो वहाँ से हम नहीं मिलेंगे, हम राजपुरी में रहते, क्योंकि हमारा गाँव ही राजपुरी है। तो मशहूर भाई, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ, हमेशा यहाँ पे आपके लिए वेलकम है, तो कभी भी आ जाओ, आपको हमारा तरफ से ऐसे ही रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसे ही आपको यानी इज्जत मिलेगी। थैंक यू, वेलकम।